कटिहार के कोढ़ा थाना क्षेत्र के कोलासी संदलपुर गांव की सुलेखा खातून की शादी अररिया जिले के गेहुआ गांव के मोहम्मद समीम के साथ साल 2012 में हुई थी। सुलेखा के पिता पैसे से मजदूर हैं। सुलेखा के पिता ने निकाह के वक्त अपने स्तर पर जो भी संभव हो सका उन्होंने किया, मगर दहेज के लोभी ससुराल वाले अक्सर उसे प्रताड़ित किया करते थे। बात बढ़ने पर साल 2015 में सामाजिक स्तर पर एक पंचायत भी हुई, जिसके बाद पीड़िता के पति मोहम्मद समीम उसे अपने साथ अपने घर अररिया लेकर चले गया। लेकिन महज दो दिनों बाद ही पीड़िता अपने ससुराल अररिया से रहस्यमय ढंग से गायब हो जाती है। लेकिन अब साल 2019 में लगभग 4 साल बाद पीड़िता अपने घर कटिहार वापस लौट कर आई और जो दर्द की दास्तां उसने बयां की उसे सुनकर कोई भी दंग रह जाएगा। दरअसल पिता के द्वारा दहेज नहीं दे पाने के कारण पीड़िता को उसके सोहर और ससुराल वालों ने मिलकर एक साजिश रचकर उसे देह व्यापार की मंदी में ढकेल दिया, जहां हर रोज उसके आबरू का सौदा होता था। सुलेखा किसी तरह देह व्यापार के दलालों के चंगुल से भागकर कटिहार पहुंची। कटिहार पहुंची सुलेखा ने कटिहार पुलिस से आवेदन देकर इंसाफ की गुहार लगाई। मेरे ससुराल वाले मेरे साथ मारपीट करता, ज्यादा सताता, खाना पीना नहीं खाने देती। दहेज के लिए? हाँ, दहेज के लिए। अब बोलता है कि मेरे पापा से 1,00,000 रुपया दहेज ले आओ, तब रखेंगे, नहीं तो नहीं। तो मेरा बाप गरीब है, दे नहीं पाए, तो मेरे साथ ऐसी हरकत किया। क्या किया था? मारपीट करके? मारपीट किया मेरे साथ। हाँ। मारपीट करके कानपुर पे भेज दिया ले जाकर। अच्छा, कानपुर में कितना दिन थी? 4 साल थी। कैसे आई फिर भाग के? सर, मुझे थोड़ी सी फाँक मिली, रास्ता मिली, मैं भागी आई। एक लोग क्या मदद से भागी आई। कितना पैसा बेचा था तुमको? मुझे ये नहीं पता सर कितना पैसा लिया था। अच्छा, क्या करवा? मैं दूर से देखी थी जब मेरे सास पैसे लिए थे उससे। अच्छा, ये क्या करवाता था? मुझे धंधा करवाता था मेरे साथ, गलत कार्य करता, तीनों मिलकर। वहाँ कितना लोग से गलत करवाते हैं? तीन लोग गलत जी धंधा करवाता था जी। कटिहार पुलिस को पीड़िता द्वारा दिए गए आवेदन के बाद कटिहार पुलिस ने पीड़िता के आवेदन पर मामला दर्ज करते हुए उसके आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। वो कांड, उस कांड का प्रवेशन किया गया है और कांड पति और उनके सास ससुर, आवेदिका के पति और उनके सास ससुर के विरुद्ध चलाया गया है और तीनों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है और वारंट और कुकी की दिशा में भी कार्रवाई की जा रही है, शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाए। वहीं आरोपी मोहम्मद समीम सुलेखा के आरोपों से इनकार कर रहा है, लेकिन 4 साल अररिया से लापता होकर कानपुर उत्तर प्रदेश में रहने की बात की पुष्टि भी कर रहा है। जी, हम तो नहीं बेचे हैं। क्या किया था? गार्जियन गया था, यूपी पहुंचाया था लड़की को? हम यूपी नहीं पहुंचाया सर, वो लड़की मेरा घर में था, हम पंचायती करके उसका घर से लेके चल गए थे। तो हम पंचायती में अकेले थे, हमारे गाँव का। लड़की 4 साल से कहाँ गायब थी? लड़की 4 साल से यूपी में था। अच्छा, वो तो हम यूपी, तब मुझे पता लगा जो यूपी में था। तुम आवेदन दिए हो कहीं पर? जी नहीं। हाँ? मैं कोई तरह का आवेदन नहीं दिया। तो फिर क्यों बेचा लड़की को? हम बेचे नहीं है सर, वो बेचने का आरोप मेरे ऊपर लगाया रहा जा रहा अभी, जो ये लड़की को मेरा दामाद बेच दिया। टाइम्स न्यूज डेस्क, कटिहार।